लोग हैं जो काम करते हैं बेचारों को काम नहीं मिलता। आपको पता है यहाँ दादी एक महीने में दादी लगते हैं यहाँ, ताकि हमारे लोग यहाँ लगाए, मंडी में लगाए, सुरकोट में लगाए, मेंढर में लगाए, ताकि हर जगह लोगों को पता कर सके हमारे लिए क्या स्कीमें आती है। हमारे मजदूरों का टूट जाता है जो जाकर बैठता है बेचारा, एक उसके बारे में सर से गुजारिश करूंगा और दूसरी ये गुजारिश करूँगा। डेथ हो जाती है मजदूर की तो उसमें भी हम 2 लाख रुपया देते हैं, जो लेबर डिपार्टमेंट है वो देता है। वो किन को? जो लोग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट में लेबर में रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने अपने लेबर कार्ड बनाए हुए हैं और टाइम टू टाइम लेबर कार्ड अपना रिन्यू करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग जिन्होंने लेबर कार्ड नहीं बनाए हुए हैं अपने, मेरी उनसे गुजारिश है, मुझे लगता है ये जेन्युइन लोग हैं, ये सारे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो हक तो इन्हीं का है, हक तो इन्हीं लोगों का है, कार्ड इनका बनना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना कार्ड जो है जरूर बनाएं। कितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, बस चला रहा है, ऑटो चला रहा है, रक्षा पुलिस हैं, छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी वाला है, सफाई कर्मचारी हैं, अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं बताऊँ, यहाँ पे रिक्शा पुलिस है, एग्रीकल्चर लेबरर्स है, शेयर क्रॉपर्स है, फिशरमैन है, मछलियाँ पकड़ने वाले, एनिमल हस्बेंड्री जो दूध का काम करते हैं, ये डोमेस्टिक वर्कर हैं जो घरों में काम करते हैं। कहने का मतलब वो है कि कोई भी बेरोजगार आदमी जो छोटा मोटा काम किया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को रजिस्टर करने का, इसके लिए हर जगह पे आपको पता है खिदमत सेंटर जो है, अगर आप गांव में रहते हैं तो हर जगह पे खिदमत सेंटर अवेलेबल है हर गांव में, जिसको हम CSC बोलते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जितने भी लोग मुंसलिक हैं उनको रजिस्टर करने का एक बड़ा उठाया है, तो इसी सिलसिला में आज का ये अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ बस स्टैंड में किया है मैंने, इसलिए इसमें मेरी जो मदद जो है ये हमारे यहाँ के जो लेबर लीडर हैं हमारे इकबाल साहब और यशाह साहब, इन्होंने किया है। बेसिक मकसद यही है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाएं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चलाई हुई स्कीमें जो है, जो इंश्योरेंस है, जैसे मैंने कहा डेथ में 2 लाख रुपया, डिसेबिलिटी में 2 लाख रुपया और पार्शल डिसेबिलिटी में 1 लाख रुपया, इसके अलावा और भी सरकार जो है वो बहुत सारी स्कीमें जो है वो रोप इन करने वाली है इस पोर्टल के साथ। इस पोर्टल में और भी बहुत वेलफेयर स्कीम जो है आने वाली हैं, तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश रहेगी तमाम ज़िला पुंछ के जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, चाहे वो रेडी वाला है, ऑटो रिक्शा चलाने वाला है, टेम्पो चलाने वाला है, मेटाडोर चलाने वाला है, एग्रीकल्चर वर्कर है, हॉर्टिकल्चर वर्कर है, जितने भी कोई 20-25 कैटेगरी के लोग इसमें आते हैं, तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से उनसे गुजारिश रहेगी कि वो आएँ और अपने आप को रजिस्टर करवाएँ। रजिस्टर करवाने के लिए उनको कोई कहीं कोई बड़े लवाजमात पूरे नहीं करने हैं, 3 चीज़ों की ज़रूरत है, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और मोबाइल नंबर। तो नियरेस्ट जो कॉमन सर्विस सेंटर है गवर्नमेंट ने